हेलो एवरीवन दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ देखिए हम लोग ने आज ही सुबह मैट्रिक स्पेस स्टार्ट किया है उसका एक वीडियो आपके सामने पहुंचा था सेकंड वीडियो में आई थिंक ये चैप्टर मैं कवर करने वाला हूं जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं इसके ठीक है जो डिस्क्रिप्टिव में कोशिश रहेगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और बाकी तो एम uh, सी से तो सारे के सारे करा देने हैं जो लास्ट वीडियो थी उसमें कहीं पे मैंने सुप्रीमम का इस्तेमाल किया था जहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन की बात की थी एक बाउंडेड इंटरवल पे क्लोज इंटरवल पे ठीक है तो जो वो दोनों वर्ड थे सुप्रीमम और एक इन्फ़ीम वर्ड होता है ये रियल एनालिसिस के दो पॉइंट हैं शायद आप लोगों ने ये वर्ड पहले यूज़ कभी नहीं किए होंगे लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा छोटे छोटे से इनको समझा देता हूँ आप समझ जाइएगा सुप्रीमम को एक और वर्ड से नवाजा गया है इसका नाम है एल यू बी लोवेस्ट अपर बाउंड एल यू यानि अपर लोवेस्ट अपर बाउंड मतलब किसी भी सेट में ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू जिससे बाकी वैल्यू सब छोटी हों मतलब अगर मैं बोलूँ एक सेट है ए उसमें है ज़ीरो वन थ्री फोर माइनस वन माइनस फाइव ठीक तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है तो सुप्रीमम क्या हो गया इसका अगर मैं बोलूँ सुप्रीमम ऑफ ए बताओ तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी ऐसी है जिससे बाकी सारी वैल्यूज या तो छोटी हैं या तो बराबर हैं तो आप देख पा रहे होंगे फ़ोर एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे बड़ी है जिसके बराबर या तो खुद फोर है या तो बाकी सारे उससे छोटे हैं ठीक और अगर मैं बात करूँ इसी में इनफ़ीमम की तो इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ग्लब जी एल बी ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लो बाउंड मतलब सेट में एक ऐसी वैल्यू जिससे बाकी सारी वैल्यूज बड़ी हों ठीक है मैं ज़्यादा इस पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक को ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है अगर हम इसी एग्जांपल को ले लें तो इसमें इनफ़ीम यानी आई एन एफ शॉर्ट में लिखा जाता है इसे इनफीमम ऑफ ए क्या होगा बच्चों सीधे सीधे समझ लीजिए क्या ऐसी कौन सी वैल्यू जिससे बाकी सारे बड़े हैं तो माइनस फाइव ठीक एक वर्ड और है इसमें उन्हें उसे भी आप देख लीजिए देखिए एक वर्ड सिंपल सा और आता है जिसे हम बोलते हैं मान लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं अगर बोलूँ अपर बाउंड क्या होता है ठीक जो कि इसमें आया है यहाँ पर और एक वर्ड और समझ लीजिए जिसे हम लोग लोअर बाउंड बोलते हैं वो क्या होता है जो या कि जो वर्ड यहाँ पे आया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में जो लोअर बाउंड उसका क्या मतलब है और ये अपर बाउंड का क्या मतलब है तो जो ऊपर एग्ज़ाम्पल है बच्चों उसमें सुप्रीम जो सुप्रीमम है फोर क्या हम ये कहें अगर आपसे कि फ़ोर से और बड़ी वैल्यूज़ हमें मिल सकती हैं ज़रूरी ये नहीं है कि वो ए के सेट के अंदर होना हो तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा अपर बाउंड है इसमें कितने हो सकते हैं अपर बाउंड में फोर भी आएगा फोर पॉइंट वन भी आएगा फोर पॉइंट टू भी आएगा और बहुत सारे अपर बाउंड आ सकते हैं तो आप समझ पा रहे हो कई सारे अपर बाउंड हैं और इस वाले अपर बाउंड से बाकी सभी क्या हैं ग्रेटर हैं तो इन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है फोर है ठीक सबसे छोटा अपर बाउंड इसी को ही लोवेस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। सारे अपर बाउंड में से सबसे लोवेस्ट इसीलिए सुप्रीमम को एल यू बी यानी लोअर लोवेस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं एल यू बी ठीक और अगर हम इसकी बात कर ले इसी में ही तो लोवेस्ट लोअर बाउंड जो है अभी बताइए माइनस फाइव हमारा इन्फीमम आया था ना और भी वैल्यूज़ हैं जो माइनस फाइव से छोटी हैं माइनस फाइव पॉइंट वन माइनस फाइव पॉइंट टू माइनस फाइव पॉइंट थ्री और भी आ जाओ मतलब ऐसे तो बहुत सारे होंगे फिर सिक्स वाले ले लो माइनस सिक्स पॉइंट वन ऐसे बहुत सारे होंगे लेकिन ये सारे के सारे तो हैं ये जितने भी हैं सब लोअर बाउंड हैं लेकिन उन सब में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है माइनस फाइव ठीक सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है माइनस फाइव जिसको हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में इन्फीम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जी एल बी मैंने क्या बोला माइनस फाइव जो है बाकी सबसे सॉरी uh, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है सबसे बड़ा लोअर बाउंड लोअर बाउंड में सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लोअर बाउंड तो कई सारे हैं लेकिन उनमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड को ही हम लोग इन्फीमम बोलते हैं या जी एल भी, भी बोलते हैं मेरी बात समझ में आ गई सुप्रीमम अपर बाउंड इन्फीमम लोअर बाउंड ये क्या है क्लियर होना चाहिए ठीक है ये आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा है रियल एनालिसिस का टॉपिक है रियल एनालिसिस पहले बुक हुआ करती थी पूरी की पूरी एक अच्छी सी अच्छी खासी बुक हुआ करती थी उसमें आपकी कॉन्टीन्यूटी डिफ्रेंसीबिलिटी भी आ जाती थी और इन सब चीज़ों पर भी सेट्स पर भी बात होती थी जो अपने क्लास एलेवंथ में पढ़ा हुआ है कोई बात नहीं है जो चीज़ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होंगी वो चीज़ वहाँ पर बताई जाएंगी ये बात क्लियर हो गई चलिए हम लोग अपने जो मीट्रिक पढ़ रहे थे मीट्रिक स्पेसेस में जो पॉइंट पढ़ रहे थे उसी के आगे बढ़ते हैं देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट स्पेस है वो हमारा फ्रेच फ्रेच स्पेस जिसे हम लोग सारे के सारे सीक्वेंसेस का एक स्पेस कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो हमारी एक मैपिंग डिफाइंड है बच्चों वो किस तरह की है देखिए अगर मैं एक मैपिंग डिसाइड uh, की डिफाइन की जो कि अपनी डिस्टेंस फंक्शन डी सच दैट ए क्रॉस ए और आपको पता है कहाँ पे मैच करती है हमें से जाके आर में ये याद रखना है आर मतलब एक एक हमारी रियल नंबर की सेट हो गई ठीक कैसे इन्होंने डिफाइन किया फ्रेचेट ने कैसे डिफाइन किया था सारे के सारे सिक्वेंसेज के बारे में ये याद रखिएगा ये जो मैं ये लेता हूँ वो जैसे यूजुअल में था तो मॉड में एक्स वन माइनस एक्स टू या एक्स माइनस फाइव था उसके बाद अपना रेक्टेंगुलर था यूक्डीन था जितने भी उसके डी लिए थे वो सब याद रखिएगा एम सी क्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अब इन्हें फ्रेचेट ने किस तरह का लिया था बड़ा अजीब सा फंक्शन लिया था लेकिन अब क्या बताएं पूरा पूरा सिक्वेंसिस की बात करनी तो इन्होंने कुछ इस टाइप का एक सेट बनाया था एक रिलेशन दिया था जो एन एस गडो वन से इन्फिनीटी तक जा रहा है और वन अपॉन टू पावर एन इंटू मॉड में एक्स एन माइनस वाई एन होल अपॉन वन प्लस सेम चीज़ एक्स एन माइनस वाई एन ये हमने डी एक डिफाइन कर लिया आपके सामने ठीक है यहाँ पे जो एक्स है जो एक्स हमारा है वो सीक्वेंस है एक्स एन का एक्स इज इक्वल टू सीक्वेंस है एक्स एन और जो वाई है हमारा वो क्या है वाई एन है ठीक ये दोनों सिक्वेंसेज हैं दोनों के दोनों किसी बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से उठाए जा रहे हैं ए से ठीक तो ये जो है अगर हम इसे चेक करेंगे वैसे तो मैंने सीरीज़ वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है सीरीज वाला चैप्टर हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है वैसे कोई बात नहीं है फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझ में आ जाए ठीक ये वैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये वाला जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है कन्वर्जेंट मतलब ये किसी एक वैल्यू पे जा करके रुकेगा डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है माइनस इन्फिनीटी या फिर प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा एक और होता है ऑसिलेटरी जो किसी दो वैल्यूज़ के बीच में ऐसे बार बार घूमता रहेगा ये ज़रूर पता रहेगा कि किसके बीच में है लेकिन ये नहीं पता रहेगा कहाँ पे है जैसे माइनस वन से प्लस वन के बीच में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है लेकिन एग्जैक्ट उसकी स्थिति नहीं पता है कि वो कहाँ पे है तो उसे ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस बोलते हैं तो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस की मतलब फाइनाइट वैल्यू लेकर के आएगा कैसे पता चलेगा ये एक तरीके से इससे पता चलेगा हम लोग पढ़ेंगे कंपेरिजन टेस्ट से ये कैसे पता चला आ, हमारा कन्वर्जेंट है कम्पेरिज़न टेस्ट से याद रखेगा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं ठीक है एम सी क्यू में जितना दिमाग में बन पा रहा है सब कुछ क्योंकि इस बार तो इन लोगों ने इतनी जल्दी एग्जामिनेशन लेने को बोल दिया है कि हम हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी पिछली बार तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन बैंक से कराया गया था इस बार एक से दो मिल पाना भी बड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन फिर भी बुक और आपकी क्वेश्चन बैंक ले करके मैं फिर भी एक अच्छे खासे एम करा दूँगा और आई थिंक एम सी क्यू पाँच तारीख के आसपास से स्टार्ट कर देना पड़ेगा मुझे पाँच या छः तारीख से स्टार्ट करने की कोशिश में है ठीक है तब तक ज़्यादा कुछ इसमें कवर भी हो चुका होगा ठीक है एक अब मान लीजिए कुछ चैप्टर बचेंगे अभी तो भी साथ ही साथ एम चलते रहेंगे अभी बीच बीच में भी डालता हूँ अभी कॉम्प्लेक्स जितनी खत्म हुई है उसके एम इधर ही डाल देंगे तो उसके लिए हमें उसके एक एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बैंक भी है तो वो होती रहेगी फिलहाल ठीक तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है कम्पेरिजन टेस्ट से पता चलता है अब ये नहीं लिख रहा हूँ कैसे ठीक है क्योंकि अभी जब आप वन पॉइंट टू पावर एन प्लस वन करोगे तो डिवाइड करने के बाद वन बाई टू यानी जीरो पॉइंट फाइव आएगा विच इज़ यू नो लेस देन लेस देन वन और उस पर कन्वर्जेंट हो जाएगा हमारा सीक्वेंस कोई बात नहीं है चलिए इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे प्रूव करना है कि ये हमारा मेट्रिक होगा देखिए सो so, जो पॉइंट नंबर वन है आपको पता होगा पॉइंट नंबर वन क्या था डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो देखिए ये तो क्लियर clear है क्लियरली अगर मैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लूँ तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा क्यों क्योंकि भाई सीधी सी बात है मॉड फंक्शन है ना फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए इसे मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि मॉड फंक्शन है बी वाला इक्वल टू ज़ीरो वाला सीन मैं करवा दे रहा हूँ आपको देखिए इक्वल टू जीरो वाला कैसे डी एक्स वाई इज इक्वल टू मैं जीरो ले रहा हूँ देखिए क्या आता है डबल इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ होता है मैंने बताया था ना सिग्मा एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनीटी वन अपॉन टू पावर एन ऊपर में भी अपना डिफरेंस का मॉड अपॉन में वन प्लस डिफरेंस का मॉड एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया। तो भाई सिंपल सी बात है अगर किसी का समेशन जीरो तो यानी वो सारी की सारी चीज़ें ज़ीरो हो सकती हैं ठीक है ऊपर भी एडिशन है ठीक है तो सब प्लस में होगा तो जीरो होगा तभी जीरो हो सकता है तो यहाँ से ये निकल के आएगा कि भाई ये सारी चीज़ें वन बाई टू की पावर एन भी जीरो हो जाएगा सब चला जाएगा जीरो में तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स एन माइनस वाई एन इजिकल टू जीरो पूरा सॉल्व कर लीजिए जरा ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जीरो में चला जाएगा पूरा का पूरा और जब वो पूरा का पूरा जीरो में चला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी मॉड एक्सन माइनस वाई एन अब आपको पता है मॉड के अंदर जो दो चीज़ों का डिफरेंस है वो तभी ज़ीरो हो सकता है जब हमारा क्या हो एक्स एन बराबर वाई एन हो तभी ये चीज़ हो सकती है अदरवाइज़ नहीं होगी तो देखिए इक्वल हो गया हो गया ना इक्वल इक्वल होगा तभी ये ज़ीरो होगा ठीक है अच्छा आगे देखिए ये दूसरे भी पॉइंट हो गया सी पॉइंट देखिए सी पॉइंट तो यहीं पे हो जाएगा भाई सी पॉइंट क्या था सीमिट्री सीमिट्री कैसे होगी अरे भैया कोई बात नहीं है सीमिट्री में कुछ है ही नहीं डी एक्स वाई जरा लोगे तो जहाँ एक्स एम वाई लिखोगे और तो डी वाई एक्स लिखोगे तो जहाँ वाई एमा एक्स करोगे मॉड फंक्शन है ऑटोमेटिक ये हमारा क्या हो जाएगा आ, बराबर हो ही जाएगा ये तो ये तो ये तो, तो क्लियरली प्रूव्ड है इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है फोर्थ वाला पॉइंट फोर्थ पॉइंट को प्रूव करने से पहले एक आइडेंटिटी है उसे दिमाग में रखें आप अगर तो आइडेंटिटी क्या है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ध्यान से रखिएगा इसे दिमाग में ये एम के लिए भी इम्पोर्टेंट है सो एट आई हैव टू राइट इट अगर दो वैल्यूज़ का सम ऊपर दिया है मॉड में और अपॉन में वन प्लस दो वैल्यूज़ का सम नीचे भी लिख दिया गया है सो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ए अपॉन वन प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी इसी की हेल्प लेंगे हम लोग वन प्लस मॉड बी इसकी हेल्प लेंगे आप हालांकि उसे प्रूव करना जान लेवा थोड़ा सा होता है काफ़ी बड़ा सा मतलब सीक्वेंस बनता है जब इतना बड़ा सा इन्होंने फंक्शन ही क्रिएट करके रखा है तो सॉल्व करने में भी थोड़ी सी हालत थो तो ख़राब होगी चलिए मैं बताता हूँ आपको अगर हम उसमें जो हमारा फंक्शन था उसमें हम कुछ ऐड कर दें जैसे मॉड में एक्स एन माइनस वाई एन था ना तो हम कुछ ऐड कर दें जेड एन कर दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट और जेड एन कर रहे हैं ऐड तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या जेड एन सब्ट्रैक्ट किया और जेड एन एड किया उसके साथ वाई एन को अलग कर दिया यही काम नीचे भी कर रहे हैं वन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन ठीक तो बिल्कुल इसी के तरीके से हम इसी का यूज़ कर लेते हैं यूज़ करेंगे तो क्या एक अलग हो जाता है दूसरा भी अलग हो जाता है तो हम इसे कह सकते हैं क्या ये लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस जेड एन अपॉन वन प्लस एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस जेड एन माइनस वाई एन ठीक ये लिख सकते हैं है कि नहीं चलेगा अब ये लेफ्ट वाला वापस से वही लिख देते हैं जो था ये जेड एन हटा दीजिए एक्स एन माइनस वाई एन अपॉन वन प्लस एक्स एन माइनस वाई एन तो क्या अभी लेस देन इक्वल टू जो लिखा हुआ है यहाँ पे वन बाई टू पावर एन लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वो तो अभी कर लेंगे लास्ट में ये तो ठीक है इतना हम्म चलेगा अच्छा चलिए कर ही लेते हैं यहीं पर जो हम लोग ने वन अपॉइंट टू पावर एन था ना वन अपॉइंट टू पावर एन इधर भी कर लेते हैं वन अपॉइंट टू पावर एन इधर भी दोनों में कर लेते हैं तो बाकी ये यह चीज़ यहाँ पर लिख दिया जाएगा प्लस वन अपॉइंट टू पावर एन और इसको भी यहीं पर कॉपी कर देते हैं चलेगा दोनों तरफ सिग्मा से ऑपरेट कर देते हैं है ना टेकिंग लिमिट ले लेते हैं सिग्मा, वही सिग्मा हमारा जो एन इज इक्वल टू तो वन से इन्फिनी था ठीक है तो देखिए एन इज इक्वल तो वन टू तो इन्फिनिटी अगर हम दोनों साइड ले लें तो क्या होगा तो वैल्यू होगी तो ठीक है तो लेफ्ट साइड आप क्या लिख सकते हैं लेफ्ट साइड आप उसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ठीक सिग्मा लेने के बाद बता रहा हूँ लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई हो गया ना फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई सो दिस वाज़ अ मेट्रिक स्पेस मतलब जो हमारा सो वी कैन राइट इट एज दी फ्रेच स्पेस सो फ्रेच स्पेस स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस ठीक है बड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन आप आ, ये तो डिस्क्रिप्टिव मैंने समझा दिया कैसे करते हैं ज़्यादातर मॉड पे ही डिपेंडेंट क्वेश्चन हैं ज़्यादातर तो कोई बात नहीं है चलिए उसको भी कर लेंगे ठीक है देखिए भाई नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट मीट्रिक स्पेस पे जाने से पहले हम लोग एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं द पॉइंट इज वॉट मिन कॉस्ट की इनक्वालिटी क्या है मिन कॉस्ट की इनक्वालिटी मिनकास्ट की इनक्वालिटी देखिए एक बड़ा ही आ, स्टार्टिंग्स एक बार और बताया हूं मैंने अगर मान लेते हैं एफ़ पी जो हमारी है वो एक वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन वन है और एक्स और वाई दो हमारे सिक्वेंसेज हैं जो कि एक्स इज इक्वल टू एक्स एन है और वाई इज इक्वल टू वाई एन है ठीक आर सिक्वेंसेज सिक्वेंसेज हैं ये कैसे सच दैट देंस देखिएगा सच देट जो हमारा सिग्मा है एन इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इसकी पावर पी एंड सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वाई एन होल पावर पी ये दोनों के दोनों कैसे हैं कन्वर्जेंट होने चाहिए आर कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट का मतलब मैं बता चुका हूँ ठीक है देन तो क्या होगा देन एक इनक्वलिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ ध्यान से रखिएगा इसको दिमाग में ये कहाँ बताया था मैंने लेट मी नो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि मैं ये मैंने कहाँ बताया था अगर आपको याद हो तो कहीं तो बताया मुझे बताया बताया ऐसा लग रहा है सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू तो इन्फिनिटी मॉड में एक्स एन प्लस वाई एन मतलब दोनों सिक्वेंसेज का ऐड करना है एडिशन पी और होल पावर वन अपॉन पी है तो इसकी वैल्यू अगर आप मॉड से बाहर निकालें तो लेस देन इक्वल टू होती है ये भी बिल्कुल मॉड वाला ही फंक्शन की तरह ही है याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी एन इज वन टू इन्फिनिटी सिक्वेंस एक्शन होल पावर पी और उसकी पावर वन अपॉन पी प्लस सिक्वेंस है हमारा एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वाई एन की पावर पी और होल पावर वन अपॉन पी ठीक है तो ये हमारी की इनक्वलिटी है आपको ये याद रखना है ठीक है यहाँ पे जो ये इनक्वालिटी है ये खुद में भी अगर मैं इसे डिफ़ाइन करूँ तो ये भी एक मेट्रिक स्पेस की तरह वर्क करती है अगर मैं इसको डी के इक्वल ले लूँ याद रखेगा ठीक है अगर मैं इसको इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई ले लूँ तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा ये भी क्या होगा एक आ, मेट्रिक स्पेस होगा एम स्पेस होगा मैं शॉर्ट में एम स्पेस लिख देता हूँ मेट्रिक स्पेस होगा ठीक है मिनका उसकी इनिकवलिटी से जो हम अगर स्पेस बना पाए मतलब एक्स और वाई ऐसे सिक्वेंसेज ले लें जिनका एडिशन मॉड करेगा और उसकी पावर पी ले लें पी क्या होना चाहिए एक से बड़ी पावर होनी चाहिए और वन बाई पी करने पे जो भी हमारा बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा ये खुद ही अपने आप में ही फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है इसकी मेट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी उसको खुद ब ही शो कर रही है और मॉड लेने के बाद चीज़ें हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होती ही हैं ज़ीरो ठीक है जीरो, अच्छा और आ, एक सेकेंड इसी में अगर हम यहाँ तो पॉजिटिव है नेगेटिव लेना पड़ेगा एक चीज़ यहाँ पे रह गई पॉजिटिव पे नहीं नेगेटिव पे हमको बनाना पड़ेगा जैसे अलग से लिख देता हूँ देखिए हेयर अगर मैं ऐसे डिफाइन करता डी ऑफ कॉमा वाई इक्वल टू सिगमा एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मॉड में एक्स एन माइनस वाई एन होल पावर पी और होल पावर वन अपॉन पी तो ये जो बनता क्योंकि वाई जीरो भी लाना है तो इसलिए माइनस वाला जो होना ज़रूरी है है ना सिमेट्री लाना ये क्या हो जाएगा इज अ अट्रिक स्पेस अब इसमें की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और आपको कैसे प्रूव करना है वो भी मैंने बताया है बाई चांस अगर एग्ज़ामिनेशन में आ जाए प्रूव करने को डिस्क्रिप्टिव आ जाए आपके में तो आप कैसे करेंगे वो ये तरीका होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़े पेजेस इधर उधर हो गए हैं शायद आई थिंक है ना तो मैं थोड़ा पेजिंग पेज नंबर डाल दे रहा हूँ ऊपर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा पी जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा उसे थोड़ा ध्यान से पड़ेगा ठीक है मैं इधर उधर पेज हो गए हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये पेज नंबर वन है मैं मार्कआउट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से ये पेज नंबर वन है ठीक है पेज नंबर वन है ये आपका पेज नंबर टू है मैं सब पे कर रहा हूँ ठीक है पेज नंबर सेवन से आपका सही चल रहा होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं सॉरी ये पेज नंबर एट होगा क्योंकि सेवन तक तो हो ही गया अभी किसके बाद हम लोग एक चीज़ सीखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स वो कैसा मेट्रिक होता है उसे हम देखते हैं ठीक है सो तो वो अगला एक मेट्रिक स्पेस है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स दो सेट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें तो देखिए अगर हम ए और बी दो सेट ले लें एंड बी आर टू सेट्स ठीक टू सेट्स दो सेट्स हैं हमारे पास और हमें अगर हम डिफाइन करें एक डिस्टेंस मान लेते एक्स बिलोंग्स टू ए है और वाई बिलोंग्स टू बी है तो एक मीट्रिक डिफ़ाइन करें बच्चों आ, जहाँ पे एक्स क्या है हमारा ए के कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक्स और वाई क्या है बी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है तो हम किसी भी दो एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस उठाएं और सब का जो डिस्टेंस निकले उनका इनफीम ले लें मतलब डी ऑफ एक्स वाई जो डिस्टेंस हमारे इन दोनों के बीच का है तो यूजुअल मैट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंस ले करके सच दैट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b कर लें उनके बीच में हम जितने भी डिस्टेंसेज निकालेंगे उनमें से सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी वही हमारा मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स होता है वैसे तो यही होता है मान क्या लेते हैं अब ये इसका इसको एग्ज़ाम्पल से अगर हम समझें तो ज़्यादा मज़ा आएगी कैसे देखिए एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं आप आ, उस तरीके से समझेंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे कैसे देखिए अगर मैं मान लूँ कि थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक ए सेट है जिसमें ज़ीरो और वन है एक बी सेट है जिसमें वन टू है ठीक हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे आप जो डी निकालेंगे एक्स कॉमा वाई जो निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है आप वन जीरो और वन के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो कितनी आएगी वन आएगी वन माइनस ज़ीरो कर देंगे जीरो और टू के बीच में टू आएगी वन और वन के बीच में ज़ीरो आएगी वन और टू के बीच में डिफरेंस करेंगे वन आएगा तो ये चार तरीके की डिस्टेंसेज बनेंगी अब ये दोनों सेट हैं सेट के बीच की डिस्टेंसेज हैं तो सबसे छोटी अगर मैं कहूँ इन्फ़ीम निकालना हो इनमें से इन्फ़ीम निकालना हो यहाँ पे आई एन एफ लिखना भूल गया यहाँ पे लिखना चाहिए आई एन एफ ठीक इन्फ़ीम लेना हो इन तीनों का तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इन दोनों के बीच की वैल्यू ज़ीरो ठीक सबसे पास सबसे कम वैल्यू कौन सी इन्फीमम यही है तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आता है कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होगा अगर कॉमन होता है ये यह चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ अगर दोनों सेट में ए इंटरसेक्शन भी दोनों में कॉमन अगर कुछ आ जाए सम uh, मतलब वो के इक्वल ना आए मतलब कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ जाए तो उसका जो इन्फ़ीम निकल के आएगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा ज़ीरो आएगा क्योंकि आप उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे उसका जो डी uh, निकलेगा मतलब डी वाला डिस्टेंस वाला जो इन्फ़ीम निकालेंगे मतलब मेट्रिक डिफाइन किया था जो हम लोगों ने वो जीरो आएगा उसका हमेशा इन्फीमम जीरो आएगा तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ऊपर इसे याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये बात समझ में आएगी कि कैसे दो साइड से के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं अच्छा अब आप ये बात एक चीज़ देखिए कि ये हमेशा ही क्या होगा एक हमारा कैसे देखिए इसमें सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आप समझ पाएंगे इस बात को आ, कैसे देखिए पहली बात तो ये है मॉड मॉड है तो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो ए क्या होगी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू ये सेटिस्फाई करेगी बी क्या है अगर हम दोनों को सेम कर लेंगे जाहिर सी बात है अभी बताया आपको कोई भी अगर एक वैल्यू कॉमन भी होती है दोनों सेट में तो हमेशा ज़ीरो आएगा है ना तो दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी हमारी दोनों सेम करने पे आंसर ज़ीरो आना तो इक्वल टू ज़ीरो वाला सीन हो गया और ये बताइए अगर हम लोग सी यानी दोनों को हम इक्वल करें मतलब सिमिट्री वाली प्रॉपर्टी तो डी एक्स वाई और डी वाई एक्स कोई फ़र्क पड़ेगा क्या बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि तब भी हम इन ले पाएंगे ये भी चलेगा और जो डी वाली प्रॉपर्टी है इनके बीच में एक को आप लेके आएंगे तो हालांकि ये मॉड पे डिफाइंड है तो आपको पता है डी वाली प्रॉपर्टी भी इसमें शो करेगी सो so, क्या हो जाएगा ये एक मीट्रिक स्पेस हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ये जो मीट्रिक डिफाइन किया है वो एक मीट्रिक स्पेस होगा खुद में लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये एक कॉन्सेप्ट है कि दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है तो वो इनफीम लेना होता है सबसे छोटी वैल्यू लेनी होती है वही वह हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स होता है ठीक है ये बात क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला जो पॉइंट है वो सीडियोमेट्रिक स्पेस का है सीडियोमेट्रिक स्पेस हमारा एक मेट्रिक स्पेस ही होता है लेकिन इसका इस एक स्पेशल नाम और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी मेट्रिक सेमी मेट्रिक का क्या मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक हमारी प्रॉपर्टी है जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ वही डिफरेंट होती है बाकी सब वही रहती है मतलब जैसे अगर कोई भी एक मेट्रिक डिफाइंड है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी ठीक है एक हमारा मान लेते हैं डी जो है दो सेट है मतलब एक्स क्रॉस एक्स से आर में जा रहा है ये हमारा इज सीडो ये सीडो तब कहा जाएगा वैन जब ये चार प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए कौन सी पहली वाली नन नेगेटिविटी बिल्कुल वही है पहले जैसी डी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स ये तो बिल्कुल उसी की तरह के तरह का लिख दिया मैंने मेट्रिक स्पेस की तरह दूसरा क्या है दूसरा है अपना अगर अगर हम मान लें कि x कॉमा सॉरी x और y बराबर हैं तो इससे हमें ये जरूर मिल जाएगा कि डी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा बट नॉट कन्वर्स बट नॉट कन्वर्स यही एक चीज़ इसमें गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से इसे मेट्रिक बोलते हैं या सेमी मेट्रिक बोलते हैं मतलब अगर ये ज़ीरो ले लें तो ज़रूरी नहीं है ये इक्वल आए ये चीज़ सीडोमेट्रिक की खासियत है ठीक है सी पॉइंट ले लेते हैं यही छोटी सी डिफरेंस है बाकी वही है सी भी वही है और डी भी वही है बाकी सब सबका सब, सब प्रॉपर्टी सेम है मतलब अगर दो डी एक्स वाई ले, ले लें तो अगर आप उसकी वैल्यू चेंज करें इंटरचेंज करें आपस में डी वाई एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी वही है एक्स कमा वाई वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा अगर इसके बीच में एक वेरिएबल कहीं से हम ले आठा करके जेड डी जेड वाई ठीक तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो वही हैं बस खाली किसकी वजह से दिक्कत होती है सीडियोमेट्रिक में इसकी वजह से और यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ज़्यादातर ठीक है देखिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसका तो समझ में आ जाएगा आपको देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर मतलब रियल के ही सेट लिए गए हैं और उसको हमें रियल में ही मैच करना है और कैसा डिफाइन किया है डी एक्स वाई इजो टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो कह रहे हैं कि ये स्यूडो मेट्रिक है लेकिन मेट्रिक स्पेस नहीं है मतलब पूरा वाला मेट्रिक स्पेस नहीं हालांकि है।, है तो मेट्रिक स्पेस लेकिन ये मेट्रिक स्पेस की सारी की सारी प्रॉपर्टी ना करके स्यूडो मेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक पे बात करनी है कौन सी डी एक्स वाई वाली पे हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बी वाली की बाकी तो सब सेटिस्फाई करेगा वो आप लिख लीजिए आप तो बी वाली प्रॉपर्टी क्या है When एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू वाई लेंगे तो क्या ये लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई लेंगे तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो होगा हमारा डी ऑफ एक्स कामा एक्स में बदल जाएगा और डी ऑफ एक्स कामा एक्स मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच गिवस ज़ीरो है ना ज़ीरो आ जाएगा बट बट अगर कन्वर्स करें कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब एम्प्लाइज एट क्या अगर हम डी एक्स वाई को ज़ीरो ले लें ले लीजिए डी एक्स वाई को जीरो तो क्या होगा मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस या एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा डज नॉट एम्प्लाई ये ज़रूरी नहीं एम्प्लाई करता दैट एक्स और वाई हमारा दोनों का दोनों क्या हो ज़ीरो हो जाए या इसको ऐसे लिखें एक लाइन और बढ़ा दें एक्स स्क्वायर इजू वाई स्क्वायर है ना क्या हम यहाँ से ऐसे लिख सकते थे वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एक्स भाई यहाँ से दो वैल्यू आ रही ना इम्प्लाई दैट वाई इज़ इक्वल टू तो एक्स भी आ रही है और वाई इज इक्वल टू तो माइनस एक्स भी आ रही है तो अगर एक्स लेंगे तो मेट्रिक तो बन ही जाएगा लेकिन केवल एक्स कैसे ले लेंगे ये भी तो लेना पड़ेगा माइनस एक्स भी है ना तो जाहिर सी बात है इस केस में y जिको टू माइनस एक्स के केस में ये हमारा मेट्रिक स्पेस ना हो करके हमारा क्या हो जाएगा सीडियो uh, मैट्रिक हो जाएगा ठीक है सीडियो हो जाएगा क्योंकि अगर केवल यही आया होता तब तो मेट्रिक स्पेस हो जाता है लेकिन माइनस आ रहा है जो कि इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो कैसे कह सकते हैं कि ये मेट्रिक स्पेस होगा है ना तो सीडियो मेट्रिक हो गया क्लियर हो गई बात चलिए आगे देखते हैं देखिए अगला जो हमने रीमैन इंटीग्रेबल फंक्शन है रीमैन इंटीग्रल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक शायद बुक थी आपके में याद होगा आपको ये चैप्टर था तो न, फोर्थ या थर्ड नहीं थर्ड या सेकेंड हमारे सेमेस्टर में था तो ये क्या था हमारा ये डिफाइन होता था डी सच दैट आई क्रॉस आई ए, आई हमारा क्या है कोई एक इंटरवल है ठीक है आई हमारा सॉरी आई इंटरवल नहीं आई हमारा इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है मतलब इंटीग्रेशन का सेट है इसे लिख देंगे अभी ये कहाँ जाएगा तो सबका सब आर बे ही आई क्या है यहाँ पे सेट ऑफ इंटीग्रल्स से, है ठीक है सेट ऑफ ऐसे लिख लो सेट ऑफ रिमैन इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बल फंक्शंस नहीं मैंने डिग्रेबल फंक्शंस ठीक है वहाँ से उठाया गया और डिफाइंड किस पे है डिफाइंड ओवर डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी किस तरीके से किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है ए बी पर डिफाइन किया गया है और ये क्या है देखिए इस तरीके से डी ऑफ अगर हम एक दो फंक्शन ले लें रिबैन वाले तो ये डिफाइन कर रहा है अपने आप को ए से बी में मॉड में एफ एक्स माइनस जी एक्स ठीक डी एक्स इस तरीके से तो आपको पता है कि ये भी प्रॉपर्टी नंबर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को बिल्कुल डिफ़ाइन करके जैसे आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो क्यों क्योंकि मॉड की वजह से ये होगा ही और फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे कैसे करेंगे एक लाइन लिख देता हूँ समझ जाना आप लोग मैं लिखूँगा ए प्रॉपर्टी जो है मैं लिखूंगा इस तरीके से कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होती है दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले, ले लेंगे ए से बी और ये एफ़ एक्स माइनस जी एक्स और अपना डी एक्स और राइट हैंड साइड पर लेंगे तो उधर तो जीरो ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये भी आ गया हमारा यानी एक तरीके से इसे क्या लिख सकते हैं डी ऑफ एफ जी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो तो ए सेटिसफाई करके इसी तरीके से इक्वल टू लेंगे तो दोनों मिला करके जीरो हो जाएंगे दूसरी सेट सेटिस्फाई कर जाएगी तीसरी सेटिसफाई कर जाएगी चौथी मॉडल की वजह से सेटिसफाई कर जाएगी मतलब ये ये भी क्या है हमारा एक तरीके का मीटरिक स्पेस है क्या है ये भी हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ ये भी एक हमारा एम स्पेस है तो एम स्पेस के ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम्पल्स चल रहे हैं और इस चैप्टर में यही पढ़ना ही है कि मेट्रिक स्पेस कितने तरीके के होते हैं क्या क्या होते हैं ठीक है अब चलिए पढ़ते हैं सब स्पेस इसी का मेट्रिक स्पेस का अगर सब स्पेस बनाए तो क्या होगा देखिए अगर हम कहें किसी मेट्रिक स्पेस को ले लें मान लेते हैं कोई लेट एक हमारा ए कॉमा डी क्या है एक मेट्रिक स्पेस है एम स्पेस है ठीक देन सबसेट ले लूँ एक मैं ए का सबसेट ऑफ ए ज ए डैश ए डैश ले लिया मैंने ए का सबसेट ए डैश ले लिया एंड एक मैट्रिक डिफाइन किया मैंने डी डैश जो कि ए डैश क्रॉस ए डैश को कहाँ से जोड़ता है आर से जोड़ता है जोड़ना आप सभी को आर से ही है कैसे सच दैट जो डी की वजह से डी डैश की वजह से हमारा मैट्रिक डिफाइंड होगा वो यानी जो लेंथ डिफाइंड होगी वो वही लेंथ होगी जो हमारी ओरिजिनल वाले मेट्रिक में रही हो इसमें अगर ऐसा आता है फॉर ऑल हर एक वैल्यू के लिए जो एक्स कॉमा वाई जो ए डैश के अंदर है तो ए डैश क्या जाएगा देन ए डैश डी डैश जो बनेगा बच्चों इज़ मेट्रिक सब स्पेस एक तरीके से हो गया। इसको बोल दे तो और भी अच्छा नाम पड़ेगा इसका मेट्रिक सब स्पेस मेट्रिक स्पेस का सब स्पेस है तो इसे मेट्रिक सब स्पेस भी बोल देते हैं ठीक है इसे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखिए एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक सेट ले, ले रहा हूँ देखिए एक सेट ले लिया जाए क्यू आपको पता है क्यू जो होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का रेशनल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है रियल नंबर का और अगर हम एक डिफाइन कर दें मेट्रिक एक्स कॉमा वाई मतलब इसी पर ही मॉड ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना ऑन आर ये आर पे है ठीक है देन जो हम डी डैश डिफाइन करेंगे मान लेते डी डैश वो क्यू के लिए है एक्स कॉमा वाई तो आप क्या करोगे उठाओगे तो उसी में से ही ना तो ये क्या होगा x माइनस वाई ऑन Q, तो हे जो d आप एक्स वाई से निकालोगे मतलब रियल के सेट की मदद uh, मदद से निकालोगे वही चीज़ यहाँ पे d डैश पे भी यानी Q के सेट की मदद से भी निकलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सो so, d क्या हो जाएगा हमारा d डैश क्या हो जाएगा या ऐसे लिखें क्यू डी डैश सबसेट ऑफ आर डी डैश है कि नहीं सब स्पेस हो गया क्यू डी क्या क्या गया? मेट्रिक सब स्पेस मेट्रिक सब स्पेस ठीक है याद रखिएगा इस टाइप से देखिए अगला पॉइंट है डायमीटर ऑफ अ सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस मतलब मेट्रिक स्पेस का एक सबसेट लेना है पहली बात तो और उस सबसेट में जितने भी एलिमेंट आए हैं उनका हमें डायमीटर लेना है भाई सिंपल सी बात है कोई अगर एक सेट है मान लो एक सेट है हमारा ठीक है मैं उसको थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ एक सेट है उसके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एलिमेंट है तो इसके बीच की डिस्टेंस इसके बीच की डिस्टेंस इसके बीच की डिस्टेंस इसके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस। डायमीटर का मतलब क्या होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री उसकी जहाँ तक वो कवर कर सकता है है ना डायमीटर मतलब जहाँ तक जा सकता है जैसे लोग बोलते हैं कि किसी के आ, वेस्ट का साइज़ क्या कहते हैं डायमीटर मैच नहीं कर रहा है है ना तो पता नहीं आप लोग बात समझ पाएंगे नहीं फिर भी अगर किसी सेट में हम डायमीटर की बात करें मतलब उसकी सबसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक की सबसे बड़ी जो उसकी लेंथ है वही उसकी डायमीटर कहलाती है ठीक है तो यहाँ पे एक मेट्रिक डिफाइन होगा ठीक है कैसा अगर मैं बोलूँ कि भाई पहले तो ए एक ले लेते हैं लेट ए डी एक ए डी हमने एक मेट्रिक लिख दिया बी अ मेट्रिक स्पेस मैट्रिक लिख दिया मैंने मेट्रिक स्पेस होगा ये ई e है बच्चों ठीक है मेट्रिक स्पेस एंड जो हमारा एस है वो सबसेट है ए का ठीक देन हम ऐसे लिखेंगे ये क्या है इज कॉल्ड डायमीटर इसे डायमीटर का नोटेशन है कॉल्ड डायमीटर और कैसे लिखा जाता है इसे डायमीटर ऑफ एस इज़ इक्वल टू सुप्रीमम सबसे बड़ी से बड़ी डिस्टेंस जो होगी सबसे बड़ी से बड़ी हमारी मीट्रिक जो होगी एक्स और वाई की वही हमारी डायमीटर होगी सच दैट एक्स और वाई हमें कहाँ से उठाने हैं एस से उठाना है ये चीज़ याद रखेगा ठीक अच्छा देखिए एक इसी में छोटा सा पॉइंट है अगर हमने सबसेट हमने निकाला और वो सबसेट में कुछ भी नहीं आया मतलब आ, अगर हम फाई की बात कर लें फाई सबसेट है ए का आ, सब सबसेट होगा ना बिलोंग कैसे सबसेट है ए का और हम इस फाई का डायमीटर निकाले बच्चों तो क्या होगा इस फाई का डायमीटर डायमीटर ऑफ फाई तो ध्यान रखिएगा याद रखने के लिए ये माइनस इनफिनिटी ही होता है हमेशा ठीक है इसे लिया जाता है और ये जो हमने ऊपर लिखे हैं यहाँ पे, ये जो आपके सामने मीटर स्पेस डिफ़ाइन किया ये भी एक मीटर स्पेस होगा जो कि डायमीटर स्पेस आ, के नाम से आप कह सकते हैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर ए मतलब ये डायमीटर ऑफ एस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा वही सही बात है अगर बहुत छोटी एकदम मतलब डायमीटर सेट ऐसा ले लिया जिसमें एक ही वैल्यू है वन कॉमा वन है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ज़ीरो और डिफरेंट डिफरेंट है तो एक जीरो से ज़्यादा भी आ जाएगी तो ये तो हमेशा से सही है पॉइंट नंबर बी ये कौन सी नन नगेविटी नन नेगेटिविटी हो गई प्रूफ अगर हम एक्स और वाई को सेम ले लेंगे तो यहाँ पर डी एक्स वाई की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो भी आएगी मतलब ऐसे लिखना चाहिए हमें कि अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है कैसे जब हमारा x और y इक्वल होगा और एक्स सरवाई और इक्वल होगा तो हमेशा उसकी डिस्टेंस क्या है किसी सेम तो बहुत साइड इम्प्लिकेशन होगा यहाँ पे तो ये एक मेट्रिक स्पेस है तीसरा वाला इसमें आपको पता है सिमेट्री रिलेशन होगा दो एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो बात एक ही पड़ेगी सिमेट्री भी होगी ठीक है और चौथी वाली जो प्रॉपर्टी है अगर इसके बीच में कोई दूसरी डिस्टेंस ले आए कोई जैसे एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ ले आए तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस होगी दोनों का सम इससे बड़ा ही होगा है ना तो वो भी हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी तो एक तरीके से ये जो आपके सामने मेट्रिक डिफाइन हो रहा है इट इज़ ऑल्सो अ मेट्रिक स्पेस मतलब डायमीटर स्पेस जो है इज़ ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो कैन बी मेड अ मेट्रिक स्पेस इस तरीके से बनाया जा सकता है यहाँ पे एक मेन पॉइंट था हमारा फाई सबसेट ऑफ ए ये याद रखिएगा ठीक है चलेगी बात एक और पॉइंट देख लीजिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट इसमें और निकल के आता है बच्चों कि अगर मान लेते हैं दो सेट है हमारे पास ए और बी और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस जो कॉमन एलिमेंट है वो अगर मतलब उसमें फाइ आ जाए ठीक तो ये कह सकते हैं कि अगर हम यूनियन उनका निकालें यूनियन का हम लोग डायमीटर निकालें डायमीटर ऑफ यूनियन तो यूनियन का डायमीटर हमेशा बढ़ाएगा अलग अलग डायमीटर के से वो तो सिंपल सी बात है का है सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए कि आप अगर सिर्फ इसका सोच रहे होंगे एक सेट का फिर दूसरे सेट का सोच रहे होंगे मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझ में भी आएगा अच्छे से अगर ए सेट हमने ले लिया मान लेते हैं ज़ीरो वन ए है हमारा ये सेट ठीक है और एक सेट ले लिया बी टू थ्री ठीक जरा डायमीटर निकालो तो डायमीटर ऑफ ए निकालो एस इस तरीके से लिखो डायमीटर ऑफ ए वन में ज़ीरो का टाइव नहीं आएगा एक तरीके से डायमीटर ऑफ बी कितना निकला ये भी तीन में से दो के बचा एक ये भी एक आएगा दोनों को जो जोड़ लो तो टू ही आएगा और क्या अब दोनों का यूनियन ले लो दोनों का अगर हम यूनियन ले लें तो यूनियन क्या आएगा देखिए ए यूनियन बी वट विल गेट इज़ ज़ीरो वन टू एंड थ्री अब इसका डायमीटर निकाल लीजिए डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी तो सबका डिस्टेंस आप निकालोगे जीरो का वन से तो वन आएगा टू माइनस जीरो हो गया टू ही जीरो माइनस थ्री थ्री हो गया वन टू माइनस वन हो गया वन थ्री माइनस वन हो गया टू टू माइनस थ्री हो जाएगा वन मतलब इतनी सारी निकली उन सब में हमें क्या लेनी है सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी जीरो से थ्री को जब आप घटा रहे होगे तो थ्री आ जाओगे डायमीटर सुप्रीमियम लेना होता है ना है कि नहीं तो अब आप देख लो जरा थोड़ी देर के लिए यहीं पे प्रूव हो रहा है कि आप इन दोनों को मैच करेंगे तो दोनों का एडिशन देखिए थ्री से कम है जाहिर सी बात है अगर आप दोनों को ऐड करोगे दो अलग अलग सेट का जिनके बीच में कॉमन कुछ ना हो कॉमन कुछ ना हो देख लीजिए ऊपर लिखा है कॉमन कुछ ना हो तो उनके दोनों के डायमीटर का सम हमेशा लेस होता है उन दोनों के यूनियन के डायमीटर के से ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला पॉइंट हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट नॉन एमबिटी सेट है तो देखिए कोई पॉइंट है यहाँ पे और एक हमारा सेट है कोई वहाँ से डिस्टेंस आपको लेनी है तो इस सेट में तो काफ़ी सारे एलिमेंट होंगे तो सबसे डिस्टेंस निकालेंगे जो सबसे कम डिस्टेंस हो वही हमारा क्या होगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट यानी ये जो बात हमने बोली वही हमारा जो है एक मीट्रिक स्पेस डिफाइंड हो गया मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि भाई हम एक तरीके से डायमीटर की बात भी कर ले रहे हैं डायमीटर ए और एस एस एक कोई सेट है तो हम ले लेते ए वो पॉइंट है जहाँ से हमें सेट की आ, डिस्टेंस निकाली ये क्या हमारा सेट है तो क्या होगा हम लिखेंगे उन सारी वैल्यूज़ का इनफीम सबसे छोटी लेनी है जो हमें ए और अगर इस सेट एस में कोई एलिमेंट है हमारा मान लेते कोई भी एलिमेंट हमारा एफ है ठीक है ये डिस्टेंस निकाल लेंगे सच दैट जो हमारा एफ़ है एफ़ लिखो एफ़ ना लिखो एफ तो ऐसे फंक्शन टाइप लग रहा है आप एक्स लिख लो उसको ठीक है ए और X, एक्स सच दैट हमारा एक्स कहाँ होना चाहिए एस में होना चाहिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कैसे इज इक्वल टू डी ऑफ ए कॉमा एस भी लिख सकते थे या ये डेल्टा भी बना सकते दोनों नोटेशन बता दिया तो ये आपको पता है सबसे कम डिस्टेंस भाई डिस्टेंस हम कहें कि मेरी आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ से आपके किसी आपके सामने की दीवार की डिस्टेंस कितनी है तो डिस्टेंस अगर आप अपना हाथ एकदम स्ट्रेट उस पर नाइन्टी डिग्री बना करके अगर मान लो थोड़े पास में बैठो दीवार के एकदम नाइन्टी डिग्री बना के अपना हाथ उस दीवार पर टच कराओ तो वो भी आपकी डिस्टेंस है और अपने हाथ को थोड़ा इधर उधर बढ़ाओ तो वो भी आपकी डिस्टेंस है आपके दीवार से लेकिन उसमें सबसे कम कौन सी है जो 90 डिग्री बना रही है ये क्लास नाइन्थ में सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड इज़ द मिनिमम डिस्टेंस वो सबसे कम डिस्टेंस होती है ठीक है फिलहाल तो ये आपका हो गया अभी कैसे मीट्रिक स्पेस है मेट्रिक स्पेस ऐसे है कि आप खुद सोच लो अगर ये डिस्टेंस है बच्चों डिस्टेंस फंक्शन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए मैंने बताया हुआ है बाकी सब मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं मतलब अगर एक्स और एक्स सेम है आइडेंटिटी की बात हो रही तो इक्वल टू जीरो वाली भी कंडीशन इसमें हो जाएगी क्यों एज एज अगर हम डेल्टा के अंदर ए और ए ही ले लें तो ये तो हमेशा जीरो ही आएगा ना सी वाला देख लो सी वाली कंडीशन क्या थी हमारी सीमिट्री सीमिट्री थी ना अगर ए भी लो तो वही तो इसके इक्वल होगा भाई है ना आ, बी ए के इक्वल डी वाली प्रॉपर्टी डी वाली प्रॉपर्टी भी वही है ये तो डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐसा ही चलती है ए भी लिखा है लेस देन इक्वल टू ऑलवेज ए सी प्लस सी बी अरे भाई यही चीज़ एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ ये ए और बी है बीच में सी घुसेड़ दिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी होगी आप खुद सोच के देखिए यहाँ से आ तक की डिस्टेंस प्लस में ये जोड़ेंगे तो ऊपर वाली डिस्टेंस बड़ी होगी ना ये वैक्टर फंक्शन थोड़ी है कि वो इक्वल आ जाएगा ये मॉड फंक्शन है ठीक है एक डिस्टेंस फंक्शन हमेशा मॉड फंक्शन ही होता है तो वो तो हमेशा होगा ये बात समझ में आई ठीक है अच्छा देखिए इस चैप्टर में जितने भी सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे इंक्लूडिंग सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स

और इसके पिछली वीडियो डिस्क्रिप्टिव लेवल वाले बच्चों के लिए और हमारे एम वाले बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है तो दोनों ही लोग अच्छे से पढ़ें अगर आपका कोई फ्रेंड दूसरी यूनिवर्सिटी से जहाँ जैसे सिद्धार्थ आई थिंक सिद्धार्थ नगर में डिस्क्रिप्टिव uh, क्वेश्चंस भी आते हैं तो यू कैन सेंड दीज वीडियोस टू देम ऐसा मत सोचिए कि एग्जैक्ट केवल मैं ये डीडीयू uh, डी के लिए बना रहा हूँ अब ये पूरा होल आप देख सकते हैं बच्चे लखनऊ के हैं कुछ लोग बनारस के हैं कोई आर एम पी यूनिवर्सिटी से जो पिछली बार थे बच्चे कुछ तो उनके लिए ये सारी वीडियोस पूरी आ, एक यूनिफॉर्म तरीके से दिए जा रहे हैं जिससे दोनों की चीज दोनों चीज़ें कवर हो जाए मेट्रिक स्पेस का फर्स्ट चैप्टर कवर्ड हो चुका है ख़त्म हो चुका है एम धीरे धीरे अपलोड होंगे अभी डिस्क्रिप्टिव लेवल पर बात हो रही है नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कल होगी ठीक है न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो चैप्टर है आ, वो आज तो शायद ना हो पाएगा अगर हो पाएगा लेट नाइट तो कोशिश रहेगी कि मैं वो अपलोड कर दूँ बाकी इंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथवैथ पर थैंक यू